बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़ाज़त से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको वो अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक इंतहाई आसान सा और तकरीबन मुफ्त नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनके जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के स्लो होने का मसला हो, या साथ में वो दिल के अमराज का शिकार हों, और तीसरा उनके उज़्व मखसूस के अंदर मसला हो, चाहे नसें दब चुकी हों या नीचे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो, इंतशार की कमी का मसला हो, तो वो सारे के सारे दोस्त इस आसान से नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 8 से 10 दिन लगातार इसको इस्तेमाल करने के बाद आप इन मसाइल से मुकम्मल तौर पर अपनी जान छुड़ा लेंगे। ख़ास तौर पर वो नौजवान जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और उज़्वे मखसूस के अंदर उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, चाहे वो गलतकारियों की वजह से हैं, बीमारी की वजह से है, मुश्तज़नी की कसरत की वजह से है, बदकारियों की वजह से हैं, जिस वजह से भी उनके मसाइल बने हुए हैं, तो बतौर पीने के ये मशरूब है। आपने इसको रोज़ाना खाली पेट इस्तेमाल करना है। लगातार 8 से 10 दिन आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, इंशाल्लाह ताला जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के स्लो होने का मसला हो, उज़्व मखसूस के इंतशार की कमी का मसला हो, तो वो 8 से 10 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। आप इसको लगातार इस्तेमाल करना चाहें, महीना 2 महीने इसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और इंतहाई कारामद है। और वो दोस्त जो जिस्मानी तौर पर ठीक हों, उनको ये महसूस होता हो, यानी बाहर से ये लगता हो कि ये किसी भी किस्म की कमज़ोरी का शिकार नहीं है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुके हों, मर्दाना कमज़ोरी इंतहाई हद तक पहुंच चुकी हो, तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे को लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे की रंगत बदलना शुरू हो जाएगी, चेहरे पर लाली आना शुरू हो जाएगी, जिस्मानी कमज़ोरी का मसला भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हल हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खा इंतहाई आसान और सादा है। नुस्खा बताने से पहले मेरे आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस पर वॉइस मैसेज कर दिया करें या रिटर्न के अंदर लिख कर मैसेज कर दें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपने एक गिलास पानी लेना है, उसको थोड़ा सा उबालना है, गरम करना है। पहले उबाल लें, जब वो नीम गरम रह जाए तो उसमें आपने लहसुन के 6 से 7 कतरे या 10 कतरे उसका अर्क निकाल कर, पानी निकाल कर लहसुन के कतरे उस पानी के अंदर मिक्स कर लेने हैं, और साथ में 1 चम्मच शहद ऐड कर लेना है, जिनको शुगर का मसला ना हो। जिनको शुगर का मसला हो तो सिर्फ 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं, इसको मिक्स कर लें और सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल कर लें। घूंट घूंट करके आपने पीना है, ये नहीं कि एक ही सांस के अंदर या 3 सांसों के अंदर, ऐसे नहीं पीना, घूंट घूंट करके पीना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्म का हिस्सा बनता जाए और आपको तकलीफ़ भी महसूस ना हो। तो घूंट घूंट करके इसको पियेंगे ताकि ये जिस्म का हिस्सा बने। इसको आपने लगातार 8 से 10 दिन इस्तेमाल करना है, फिर कुछ दिन वक्फा करके फिर इस्तेमाल कर लें, फिर कुछ दिन वक्फा करके फिर इस्तेमाल कर लें। इसको लगातार कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, मेरे अल्लाह का फ़ज़ल हुआ तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो मसाइल आपको बताए हैं, अगर आप उनका शिकार हैं तो उससे आपको मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो जाएगी। बहुत ही आसान, सादा और मुफ्त नुस्खा है, ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।